थैंक यू वेरी मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड स्टाफ एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, एक्चुअली आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और एक बहुत ही खास रिकॉग्निशन यहाँ पे मेरा आज होने वाला है और आप सभी के साथ मैं भी यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है और हमारे सामाजिक लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सोशल वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। अभी वैसे छोटी वो बड़ी बात करना चाहूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ हो सकता हूँ या मुझे भी ऐसे बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वॉज वेरी शाय, मैं बहुत शर्मिला टाइप का व्यक्ति था आज से 4-5 साल पहले और कभी सोचा नहीं था कि जीवन में कभी स्पीकिंग भी मैं कर पाऊंगा। लेकिन कोरोना काल आया और सबसे ज्यादा मुझे गाइडलाइन दिया तो मेरे पेरेंट्स ने। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान से भी बढ़कर मेरे माता पिता को, जो कि यहाँ पे इस हॉल में मौजूद नहीं है। एक्चुअली माई फादर सर्व्ड इंडियन आर्मी फॉर लास्ट लॉन्ग 24 इयर्स। मेरे पिताजी आर्मी में थे और लास्ट 24 इयर्स उन्होंने आर्मी के लिए सर्व किया और अभी हाल ही में रिटायर हुए और उनके गाइडलाइन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से मैंने जो है अपने जीवन के करियर की शुरुआत की। एक्चुअली अभी मैं 3rd ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा हूँ और एजुकेशन के साथ साथ मैं एक बहुत बढ़िया सोशल वर्क प्लस मोटिवेशनल स्पीकिंग और अन्य सामाजिक सेवाओं में मैं बहुत योगदान देने की कोशिश करता हूँ। करता नहीं बोलूँगा, कोशिश करता हूँ ऐसे बोलूँगा, क्योंकि आज हमारे समाज में जितना भी किया जाए उतना कम है। तो किसी महान पुरुष ने कहा था, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स देन समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। यानी अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरा करेंगे। तो इसीलिए इसीलिए खुद के सपनों के लिए हमें लड़ना जरूरी है। अगर हमने सपने देखे तो उसके लिए हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अभी यहाँ पे मुझे 70-80% स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू शुड हैव सिंगल माइंडसेट। अभी दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं इंसान के दिमाग में, मतलब माइंडसेट यानी सोच विचार। दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है सिंगल माइंडसेट और एक होता है डबल माइंडसेट। अभी सिंगल माइंडसेट और डबल माइंडसेट में क्या डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। डबल माइंडसेट होता है एक कुत्ते का, यानी डॉग का। कुत्ते किस किस ने देखे हैं, रेज योर हैंड प्लीज। अभी कुत्ते हर एक ने देखा है। अभी रोड पे जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कौन से जानवर के आपको दिखेंगे, कुत्ते के दिखेंगे, यस और नो? यस। अभी कुत्ते के एक्सीडेंट क्यों दिखते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? कुत्ते के एक्सीडेंट हमें इसलिए दिखते हैं, जब कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा होता है तो वो दो प्रकार के सोच में होता है, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। आप देखिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हम भी कंफ्यूज, वो कुत्ता भी कंफ्यूज। हम कुत्ते से डरते हैं, कुत्ता हमसे डरता है, इसी चक्कर में ना कुत्ता डिसीजन ले पाता है ना हम डिसीजन ले पाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या तो कुत्ते का देहांत हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर हमारे एक्सीडेंट हो जाता है। यस और नो? यस। एक होता है डबल माइंडसेट, इंसानों में भी ऐसी होता है। जैसे मैम ने बताया अभी, जस्ट अभी हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मैम ने यहाँ पे दो शब्द बोले और उनमें उन्होंने बताया कि मैं कुछ और बनना चाहती थी लेकिन टीचर बन गई, फिर टीचर बनने के बाद यार सोचा चलो सेटल हो चुके हूँ, फिर उसके बाद किसी कारणवश पॉलिटिक्स में आना पड़ा। अभी पॉलिटिक्स में आने के बाद बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंसान बनना चाहता है उसमें डिसीजन नहीं ले पाता। तो उसी तरीके से कुत्ते की तरह हमारी सोच भी होती है। कोई व्यक्ति ने अगर बोला, मान लो अगर मैं हूँ, मेरे क्लास में अगर 70% स्टूडेंट्स है और 70% स्टूडेंट्स अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी सोचूंगा यार सभी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्कोप है, मैं भी वहीं पे चले जाऊँगा। मेरे दोस्त ने अगर साइंस में एडमिशन लिया है, हमें साइंस का एज भी पता नहीं है लेकिन फिर भी एडमिशन साइंस में लें। अभी मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स समझ नहीं आता लेकिन फिर भी वही सब्जेक्ट्स लेकर के बाद में फिर पछताना है, फिर पास होने के झंझट। तो ऐसे दिक्कतें मैंने भी झेली। तो साथियों, ये माइंडसेट होना सबसे इंसान को सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल करता है। हमें अगर माइंडसेट होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, हनी बी वे, यानी मधुमक्खी का रास्ता हमने चुनना है। मधुमक्खी आप देखिए
मधुमक्खी, हर एक मधुमक्खी उठती है, फूल पे जाती है, फूल से अपना शहद निकालती है और फिर से अपने जो है छत्ते में जमा करती है। सुन लो, यस। अभी मधुमक्खी बहुत सारी होती है, एक मधुमक्खी ऐसी भी बोलती, चलो मिठाई अगर लेना है तो गुलाब जामुन पे जाके बैठती हूँ, बोलती है क्या रसगुल्ले पे जाके बैठती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। उनका एक डुप्लीकेशन होता है, एक राइट पाथ होता है और उसी चीज को बार बार करते। अगर एक अच्छी चीज अगर बार बार करने से आपके जीवन में सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, सफलता अगर आती है तो उस चीजों को बार बार करना चाहिए। सिंगल माइंड अप्रोच आपका होना चाहिए, आपके टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। आज खुद से पूछना है, अपने अपने जीवन में हर एक के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, आप क्या चीज में आगे जा सकते हैं। अभी मैं जो था, मुझे सोशल वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं सोचता था जब भी मैं बाहर घूमता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे उम्र के जो लड़के होते हैं, आप अभी औरंगाबाद में, वैसे मैं प्रॉपर अभी अहमदनगर में रहता हूँ, अभी जस्ट अहमदनगर से आया हूँ, तो मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि यार चौराहे में, यानी चौक होते चौराहे में मेरे उम्र के बहुत सारे लड़के पबजी, फ्री फायर गेम से बिल्कुल बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके, मोबाइल एडिक्ट हो चुके। छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल आंखों पे जो है चश्मा लग चुका है, आज स्पेक्स लगा के घूम रहे हर एक व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए मैं सोचता था कि मोबाइल से, टीवी से दूर करने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्गदर्शन दे सकूं। इसीलिए मैंने कोरोना काल में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लॉन्च किया जिससे मैं मोबाइल से, टीवी से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में मुझे ऑनरे डॉक्टरेट इन सोशल वर्क यहाँ पे साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी थ्रू अवार्ड मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ। थैंक यू। और वैसे मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे बोलना भी है, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ पे मुझे कुछ आपको गाइडलाइन देना है, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, व्यक्त करना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे बोलने का यहाँ पे संधि मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।